So, up to my channel is in Cooking Center. So, today I am going to explain your 9th standard Hindi 13 chapter from Shri. So, Kavi yahan se keh rahe hai, har taraf khet hai, makmali ki komal hariyali hai ye, makmal komal hariyali jaisi hai ye, makmali jaise bistar ki tarah hai. लिट्टी जिससे रवि की किरणें जैसे आ रही है, वहाँ जैसे इस खेतों में लिट्टी जैसी लग रही है, और चांद की इसी उजली उजली चाली भी, और तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, दिल को जो पत्ते हिल रहे हैं, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल. तो कवि को निर्मल नीला फलक लग रहा है, वो निर्मल नीला फलक. तो वह रोमांचित सी लगती है वहाँ, वह जो आई जो गेहूँ में वाली, जो वहाँ गेहूँ का खेत है वहाँ, वह बहुत रोमांचक लगता है. और हर हर सनाई सनी की सोने की किंकनियों है शोभाशाली. तो वह सोने की किंकनियों जैसे लग रही है वहाँ, कौन सा गेहूं का खेत. तो उड़ती वीनी तेलाकत गंध गंध और फूलों सर, और वहाँ पे फूल भी है साथ में, फूल फूल फूली सरसों पीली पीली, तो सरसों के पीली पीली. लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तो नीलम की कली नीसी नीली, तो वहाँ नीलम की कली नीली नीली जैसे दिख रही है और वहाँ झांक रही है. तो वहाँ पे भी रंग रंग के फूल में रिल मिल, तो वहाँ पे रंग रंग जो फूल है वहाँ पे हंस रही है सकी और मटर कड़ी, तो वहाँ पे फूल बहुत रंग रंग के हैं. और उस तरफ एक पितली या भी उस फूल के ऊपर आकर बैठ रही है, और वहाँ रंग रंग के पितली या भी आकर उस फूल के ऊपर बैठ रही है. कवि को यहाँ बहुत खुशी मिल रही देखने पे. और अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लड़ गई अमृतर की डाली, तो वो डाले जर रहे टांक पीपल की ये दिल, तो पीपल का पेड़ जड़ रहे हैं. और हो उठी कोकिल मतवाली, तो वहाँ और महे कटहक कटहल मुकी मुकुलित जामुन, और जंगल में जरबेरी झूली, और वहाँ पे झूला दिख रहा है कवि को. और फूले आड़ू नींबू डाई डाड़िम आलू गोभी बहुत सारे वहाँ पे कवि को दिख रहे हैं फल. और फल के साथ साथ कवि को खाने की चीज़ें भी दिख रहे हैं. और पीले मीठे अमृतों में अब लाल लाल चिट्टियाँ पड़ी, पक गए सुनहले सुनहले मधुर पेर, आमवली से तरकी डाल जड़ी, लहा लहा पालक महा महा धनिया लौकी और सेम फली. तो कवि को वहाँ पे उस उन सब्जियों के बीच में भी, जैसे उन्हें दिखा आलू गोभी बैंगन मूली, इनके बीच में भी उन्हें और सब्जियाँ दिख रही, जैसे उन्हें मधुर पेर उन्हें दिख रहे, पालक उन्हें दिख रहे, धनिया और ऐसे अलग अलग चीज़ें उन्हें दिख रही है. और बालू की संपूक से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते के कोई, तिरते जल से जल में सुरखा पुलिन पर मकरोटी रहती मोसोई. तो कवि को वहाँ पे अब तरबूज का भी वहाँ पे उन्हें खेत दिख रहा है. अब आगे आगे कवि को तरबूज का खेत, अंगूर का खेत, और आगे और खेत कवि को दिख रहे हैं. हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीली भीगी आंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोज, मरकत डब्बे सा खुला ग्राम जिस पर
नीलम नप अच्छादन। तो निरुपम विमान ने स्नीनंग शांत नीच शांत नीच शोभा से हरता जनमन। तो कवि को हर तरफ फल खेत फूल सब कुछ दिख रहे हैं और हंसमुख हरियाली हर तरफ ऊंचाई है। सुख से वहाँ बहुत सुख से लग रहे हैं, सुखी है वहाँ। हाँ उन्हें वहाँ पे डाली पेड़ सब कुछ एक ग्राम दिख रहा है उन्हें जहाँ पे हरियाली है। तो यह था आपका चैप्टर ग्राम श्री। तो उन्हें एक ग्राम दिख रहा है जहाँ पे सब फूल पौधे सब कुछ है। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मोल दो।